आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले YouTube से रिलेटिव कुछ ऐसे सवाल जो कि रास्ते में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। गाइस अभी क्या हुआ, अभी मेरे घर पे काफ़ी दूर से एक भाई साहब आए थे, तो उन भाई साहब ने मुझसे बोला कि यार हमने चैनल बनाया था अपना अपने ही नाम से, तो उनका जो नाम था वो संजय था, मतलब संजय के नाम से इन्होंने कोई चैनल बनाया। वो बनाने के बाद वो मुझसे बोले, मैंने अपना चैनल जब मैं सर्च करता हूँ तो मेरा चैनल जो है बहुत ज़्यादा नीचे आता है, मतलब ऊपर नहीं आता, जैसे और लोगों के चैनल आते हैं मेरा भी ऊपर ही आता है, तो उसका क्या रीज़न है। तो मैंने उनको बताया कि आपका तो पहली बार नाम जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि काफ़ी लोग संजय नाम के जो है यूट्यूब पे हैं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, मतलब लोग मतलब रोज़ जो है इतने चैनल क्रिएट होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हम आपस में मतलब बोलते रहते हैं, जैसे हमारा मेरा नाम अरबाज है, कोई भी अंकित है, ऐसी मतलब दो चार नाम ले लो। तो गाइस इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो अब क्या होता है गाइस यहाँ पे यूट्यूब पे सारे नाम तो पहले से मतलब एडजस्ट है, मतलब बहुत सारे नाम है इसमें, आप किसी भी नाम को जैसे सर्च कर लोगे तो जैसे मान लो कोई भी नाम आप सर्च कर लो समीर या जो भी है मतलब, तो चैनल बहुत सारे आ जाएंगे, और बहुत सारे चैनल आने के बाद जो गाइस आपका जो चैनल होगा उस सेम नाम से तो बहुत ज़्यादा नीचे होगा, मतलब उसी के जैसा जो नाम होगा बहुत ज़्यादा मतलब नीचे आएगा या ऊपर भी आ सकता है। तो अब क्या होता है गाइस अपने चैनल को ऊपर लाने के लिए, मतलब टॉप पे लाने के लिए, जैसे आप कोई नाम लिखो या चैनल आपका जो है टॉप पे आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको एक यूनिक नाम जो है तलाशना पड़ेगा, मतलब जो यूनिक नाम होता है कि ये मान के चलो कोई उस नाम से कोई चैनल ही ना हो, कुछ ऐसा सोच रखो ऐसा दिमाग में कुछ ऐसा नाम सोच के रखना कि इस नाम से कोई चैनल हो ही नहीं, मतलब हो तो इक्का दुक्का हो वो चल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गाइस आप ऐसे नाम से रख लोगे जैसे कि जो भी नाम हो, जैसे अरबाज नाम या जो भी अपना जो भी नाम है आपका, उस नाम से अगर आप चैनल रखोगे तो आपका चैनल ऊपर नहीं आएगा। अब क्या होता है जैसे कुछ लोगों ने चैनल के नाम क्रिएट कर लिए हैं, क्रिएट करने के बाद वो सोच रहे कि यार हमारा चैनल जो ऊपर नहीं जा रहा है तो मुझे नया चैनल बनाना चाहिए, तो नया चैनल बनाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, आप चाहो तो चैनल का नाम जो है चेंज कर सकते हो। चेंज करने में गाइस क्या होगा, अगर जैसे आप चैनल करोगे तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट में जो आपका नाम चेंज तो हाथों हाथ हो जाएगा, लेकिन 15 या 20 मिनट वो अपडेट करने में मतलब लग जाते हैं। गाइस क्या होता है जैसे कि आपका नाम जो भी है तो उसको चेंज करने में, उसका जब आप नाम चेंज करोगे तो जब वो अपडेट हो जाएगा तो वो जो आपका नाम जो भी आपने यूनिक नाम रखा हो तो नंबर एक पर आ जाएगा, मतलब टॉप पे आ जाएगा। तो चैनल बनाने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपका कोई पुराना चैनल है तो आप जो है उस चैनल का जो है नाम चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस सोचने में याद है कि आप जो चैनल का नाम रखोगे वो क्या रखोगे। अब भाई जैसे मेरा नाम है अरबाज, तो मैंने अरबाज नाम इसलिए नहीं रखा गाइस, अरबाज नाम से बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो कि यूट्यूब पे थे, मैं नाम अरबाज लिखता था या टेक्निकल अरबाज लिखता था या टेक्नो अरबाज लिखता था, तो गाइस बहुत सारे चैनल आ जाते थे। अब गाइस क्या हुआ कि अरबाज नाम था तो मेरा निक नेम अरबू है, तो मुझे अरबू नाम थोड़ा अपना सही लगता है तो वो शॉर्ट नाम आ गया मेरा। अब टेक्निकल चैनल मुझे खोलना था तो मैं उसको कर दिया अरबू की टेक, मैंने नाम इसने लिख दिया क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते थे कि भाई आपने अपने चैनल का नाम अरबू की टैग क्यों रखा, तो इसका रीज़न यही है गाइस ये नाम जो एक यूनिक है, अगर आप अरबू की टैग लिखोगे तो इस नाम से एक भी चैनल नहीं आएगा, एक भी चैनल दूर दूर तक नहीं है, तो कुछ इसका रीज़न ये था इसलिए मैंने इस चैनल का नाम अरबू की टैग रखा, और यही नाम मैं रहने दूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि अरबू की टैग से ही है, मतलब उस पर जो नाम लिख रहा है सब अरबू की टैग ही लिखवा रखा है, और आप अपने चैनल का नाम जो अपने नाम के अकॉर्डिंग रख सकते हो जो भी आपका नाम है। अगर मैं ब्लॉग चैनल खोलता तो अरबू ब्लॉग कर देता, तो गाइज मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग चैनल बना रखा है जो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, वो मैंने अभी जो है अपने टेक्निकल वाले चैनल पर जो है मतलब ऐड कर रखा है, वो कैसे ऐड किया वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, और आपको अगर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। फिलहाल मैं गाइज मेन रीज़न जो था वीडियो बनाने का वो यही था कि जो आप यूनिक नाम रखोगे चैनल का तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, अगर आप ऐसे सेम नाम रख दोगे तो आपका चैनल टॉप पे भी नहीं आएगा, और बहुत सारे उसके जो चैनल होते हैं उस नाम से, तो कुछ भी अगर आप चैनल क्रिएट करो तो उसका नाम थोड़ा यूनिक रखना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो आपके लिए भी और आगे के लिए भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों को सर्च करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है अगर आप नाम बताते हो। अब भाई अरबू की टैग जैसे चैनल तो मैं खाली ARBU अरबू भी लिख दूंगा तो चैनल मेरा टॉप पे आता है, आप सर्च करके देख लेना, वो कोई वैसी बात नहीं है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है यूनिक लगा। मैं अरबाज मलिक नाम लिख देता तो गाइस मेरा चैनल टॉप पे भी नहीं आता और चलता भी नहीं, फिलहाल तो अल्लाह की रहमत से चैनल अच्छा चल रहा है और आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहेगा, और वैसे भी ये वीडियो मेरी बहुत दिनों बाद आ रही है चैनल पे, तो गाइस मैं कुछ काम में बिजी था, और मेरा वो उस टाइम का आप स्क्रीन शॉट देख सकते हो, ये भी कम्प्लीट होने वाला है, तो जल्दी इस चैनल पर एड्स रनिंग हो जाएंगी, और आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, और तुम्हारा भाई आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।